माता ज्वाला देवी के चरणों में योगी गोरखनाथ का प्रणाम। प्रणाम योगीराज। हे माता ज्वाला, आज आपने हमें साक्षात दर्शन देकर धन्य कर दिया। हे योगीराज, धन्य तो आपके आगमन से हम हुए हैं। आप तो साक्षात भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। आप जैसे महान योगी के चरणों से यह कोट कांगड़ा की धरती पवित्र हो गई। हे गुरु गोरखनाथ जी, यदि आप एक कृपा और करें तो सचमुच ये हम पर बहुत बड़ा उपकार होगा। हे माता ज्वाला, आप तो साक्षात नौ देवियों का संयुक्त रूप हैं। हे आदिशक्ति, आप अपने संबोधन में कृपया वो उपकार जैसे शब्दों का प्रयोग न करें। आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा कर्तव्य है, अतः आप यथाशीघ्र व निसंकोच बताएं माता कि आप हमसे क्या अपेक्षा रखती हैं। हे नाथ शिरोमणि, मैं ये चाहती हूँ कि आप एक दिन मेरे मंदिर में विश्राम कर भोजन ग्रहण करें। हे माता ज्वाला, मुझे अक्षमा करें, क्योंकि मैं न तो आपके मंदिर में प्रवेश करूंगा और न ही यहाँ का भोजन ग्रहण करूंगा। परंतु क्यों योगीराज? क्योंकि हे माता, आपका मंदिर अपवित्र है। जिस मंदिर में मांस मदिरा का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, मैं वहां भोजन नहीं कर सकता। इसके लिए आप मुझे अक्षमा करें, क्योंकि हम नाथ पंथ के योगी केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। हे योगीराज, आप हमें गलत ना समझें। मांस मदिरा का चढ़ावा तो हमें भी पसंद नहीं है, किंतु हमारे भोले भाले भक्त ऐसा करते हैं। लेकिन मैं आपको इस बात का वचन देती हूँ कि आज के बाद हमारे मंदिर में मांस मदिरा का चढ़ावा नहीं चढ़ेगा, अपितु चुंदड़ी व नारियल की भेंट ही हम स्वीकार करेंगे। हे योगीराज, अब तो आप हमारा भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे? हे माता, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, किंतु एक शर्त पर। शर्त पर? कैसी शर्त योगीराज? शर्त ये है माता कि भोजन आपको स्वयं अपने हाथों से बनाकर हमें खिलाना होगा, और भोजन तैयार करने के लिए आप जिस अन्न का प्रयोग करेंगी वो मैं भिक्षा में मांगकर स्वयं आपको लाकर दूंगा। हे योगीराज, हमें आपकी ये शर्त स्वीकार है। मैं स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाकर आपको खिलाऊंगी। तो ठीक है माता, मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूँ, आप चूल्हा जलाकर मेरी प्रतीक्षा करना, क्योंकि मेरे वापस लौटने का कोई निश्चित समय नहीं है, और जब तक मैं भिक्षा लेकर आपके पास वापस न आऊं, तब तक आप अग्नि जलाकर उस पर काट की हांडी रख पानी उबालते रहिए। उचित समय आने पर मैं आपके पास भिक्षा लेकर स्वयं आऊंगा और आपके हाथों से बना भोजन ग्रहण करूंगा। तब तक आपको मेरी यही प्रतीक्षा करनी होगी माता। हे योगीराज, मैं इसी स्थान पर चूल्हा जलाकर आपके लौटने का इंतजार करूंगी और आपके आने के पश्चात ही भोजन तैयार करूंगी। हे योगीराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भिक्षा लेकर यहाँ शीघ्र लौटेंगे। हे माता, ये योगी मच्छिंद्र नाथ का शिष्य गोरखनाथ आपको वचन देता है कि उचित समय आने पर
मैं भिक्षा लेकर आपके पास अवश्य आऊंगा। अब मुझे आज्ञा दे माता, प्रणाम। प्रणाम योगीराज। मैं माँ हूँ, धरती माँ, तो इस प्रकार योगी गोरखनाथ माता ज्वाला से आज्ञा ले भिक्षा लेने चल देते हैं। माता ज्वाला देवी ने अपनी शक्ति द्वारा चूल्हा जलाकर उस पर काट की हांडी स्थापित की तथा उसको पानी से भर दिया। कुछ ही समय में हांडी में पानी गर्म होकर उबलने लगा और माता ज्वाला योगी गोरखनाथ के वापस लौटने का इंतजार करने लगी। उधर योगी गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए एक स्थान पर रुक गए और उन्होंने वहां पर खिचड़ी का अद्भुत चमत्कार दिखाया। योगी गोरखनाथ ने एक कनस्तर में 5 सेर दाल चावल की स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई तथा फिर लोगों को यह खिचड़ी बांटनी प्रारंभ कर दी। उनकी इस स्वादिष्ट खिचड़ी को खाने के लिए आसपास के क्षेत्र के हजारों लाखों लोग जमा हो गए तथा सभी ने स्वादिष्ट खिचड़ी को भरपेट खाया। लेकिन हजारों लाखों लोगों के भरपेट खाने के बाद भी वह 5 सेर खिचड़ी समाप्त नहीं हुई। गोरखनाथ जी के इस अद्भुत चमत्कार को देख सब लोग बहुत हैरान थे तथा यह खबर बहुत दूर दूर तक फैल गई। इतने लोगों के भोजन करने के पश्चात भी वह कनस्तर अब भी भरा था। अतः जिस स्थान पर गुरु गोरखनाथ ने यह स्वादिष्ट खिचड़ी लोगों को बांटी थी उस स्थान का नाम
गोरखपुर पड़ गया, जो आज भी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, तथा वहां गोरखनाथ जी का विशाल एवं भव्य मंदिर बना है और प्रतिवर्ष वहां विशाल खिचड़ी मेला भरता है। उधर माता ज्वाला देवी को योगी गोरखनाथ का इंतजार करते करते काफी समय बीत गया। अंत में माता ने यही समझा कि गोरखनाथ अब कभी वापिस लौट कर नहीं आएंगे और उन्होंने अपने दिए वचन को तोड़ा है, जिस पर माता क्रोध से आग बबला हो गई। उनके इस भयंकर क्रोध को देखकर ऐसा लगता था मानो वो पूरे ब्रह्मांड को जलाकर राख कर देंगे। योगी गोरखनाथ ने मेरे साथ छल किया है, उसने अपने दिए वचन को तोड़ा है, अन्यथा इतना समय बीत जाने पर उसे भिक्षा लेकर अब तक आ जाना चाहिए था। उसने मेरा घोर अपमान किया है, इसके लिए मैं गोरखनाथ को ऐसा दंड दूंगी कि वो सदा याद रखेगा। उसने शायद ज्वाला देवी की शक्तियों को नहीं देखा है। काल भुजाल, हमारे सामने इसी समय उपस्थित हो काल भुजाल, उपस्थित हो काल भुजाल। माता ज्वाला देवी के चरणों में काल भुजाल का प्रणाम। हे माता, आप आदेश करें कि हमें क्या करना है। हे काल भुजाल, योगी गोरखनाथ ने मेरा अपमान किया है। मैं कब से चूल्हा जलाकर भोजन बनाने के इंतजार में बैठी हूँ, लेकिन वो भिक्षा में अन्न लेकर अब तक नहीं आया। उस योगी ने अपने दिए हुए वचन को तोड़ा है। मैं इतने वर्षों से उसके आने का इंतजार कर रही हूँ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं अब और इंतजार। हे माता, कृपया बतलाएं कि मुझे क्या करना है। हे काल भुजाल, मैं गोरखनाथ से इस अपमान का प्रतिशोध लेना चाहती हूँ। मैं उस ध्रुत योगी गोरखनाथ को दंड देना चाहती हूँ। हे काल भुजाल, तुम मेरे सबसे शक्तिशाली राक्षस हो। तुम दिखने में तो एक राक्षस दिखते हो, लेकिन तुम दो राक्षसों का संयुक्त रूप हो। तुम में सब प्रकार की दैवीय वे राक्षसी शक्तियां हैं, इसलिए तुम जाओ और इस पृथ्वी का कोना कोना छान मारो। तुम्हें जहां भी वह जिस भी अवस्था में गोरखनाथ मिले, उसे उठाकर हमारे पास ले आओ। यदि वो आने से इनकार करे या अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, तो उसे वही चींटी की भांति मसल दो। उसका नामो निशान इस पृथ्वी लोक से मिटा दो। जाओ, अति शीघ्र जाओ काल भुजाल, अति शीघ्र जाओ। जो आज्ञा माता, आपके आदेश की पालना होगी।
उसने आपका अपमान करके अपनी मृत्यु को दावत दी है। मैं गोरखनाथ के साथ साथ संपूर्ण नाथ पंथ का नामो निशान इस पृथ्वी से मिटा दूंगा। प्रणाम माता। रुक जाओ गोरखनाथ। तुम काल भुजाल से जीवित बचकर नहीं जा सकते। हे काल भुजाल, मेरी तो तुमसे कोई स्त्रुता नहीं है, फिर तुम मुझ पर क्यों क्रोधित हो रहे हो? हे गोरखनाथ, तुमने माता ज्वाला के भोजन का निमंत्रण अस्वीकार कर उनका अपमान किया है। अब माता ज्वाला के आदेश से ही मैं तुम्हें उसी का दंड देने आया हूँ। हे राक्षस राज, मैंने माता ज्वाला का कोई अपमान नहीं किया। जब उचित समय आएगा मैं स्वयं भिक्षा लेकर माता के पास आऊंगा। इसलिए तुम जाओ और माता ज्वाला से कहना कि हमारा इंतजार करे। माता ज्वाला और इंतजार नहीं कर सकती। तुम चुपचाप हमारे साथ चलो, अन्यथा मैं तुम्हें बलपूर्वक उठा ले जाऊंगा। हे काल भूचाल, सभी कार्य विधि के विधान के अनुसार होते हैं। अब तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप यहां से चले जाओ, अन्यथा हमें क्रोध आ गया तो इस काल भूचाल का नाम पृथ्वी से सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। गोरखनाथ, तुम जैसे धूर्त योगी को तो केवल मृत्यु दंड मिलना चाहिए, केवल मृत्यु दंड। Thank you.
मैं माँ हूँ, धरती माँ। तो इस प्रकार महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने काल भुचाल के संपूर्ण शरीर को पत्थर का बना दिया और उनका वह पत्थर का शरीर गोरखपुर में ही गिरा। उसके पश्चात महायोगी गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ वहां से प्रस्थान कर गए। माता ज्वाला को जब इस घटना का पता चला तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और वह पुनः एकाग्रता से योगी गोरखनाथ के आने का इंतजार करने लगे। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी भिक्षा में अन्न लेकर आज तक माता के पास नहीं गए, लेकिन माता ने उनका इंतजार करना नहीं छोड़ा, जिसके फलस्वरूप कोट कांगड़ा में माता ज्वाला देवी के मंदिर के पास ही एक पहाड़ी में वह पानी अब भी उबल रहा है, जिसे हम वर्तमान में गोरखहांडी के नाम से जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब महायोगी गुरु गोरखनाथ जी भिक्षा में अन्न लेकर माता ज्वाला के पास जाएंगे और उनके हाथ का भोजन ग्रहण करते ही इस कलयुग का अंत होगा। और उस शुभ घड़ी का इंतजार तो मैं भी काफ़ी वर्षों से कर रही हूँ। सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ जी की जय हो। जय हो गोरखनाथ जी की।